उत्तराखंड एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर चार पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मीडिया को जारी पत्र में उत्तराखंड एनएसयूआई ने के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई की ओर से 13 फरवरी को सचिवालय घेराव किया गया था। आपको बता दें, कांग्रेस भवन में कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के दो गुटों में भिड़ंत हो गई थी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चले। काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव पर मामला शांत कराया। इस बीच कांग्रेस भवन में प्रदेश स्तर के बड़े नेता भी मौजूद थे। इस घटना से पार्टी की किरकिरी भी हुई थी। इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता कर अपने विचार मीडिया के सम्मुख रखे। निष्कासित हुए एनएसयूआई नेता संदीप चमोली ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस हमें पार्टी से क्यों निष्कासित किया गया। साथ ही एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष किसी नियमों के तहत बनाया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी एनएसयूआई से कोई नाराजगी नहीं है, पर एनएसयूआई को चलाने वाले जो लोग यहाँ पे संगठन के अंदर जो पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं और हम एनएसयूआई में वापसी जाना चाहते हैं, हम एनएसयूआई में रहना चाहते हैं। हमारी यही मांग है कि हम लोगों को बिना कारण बताओ नोटिस के क्यों सस्पेंड किया गया। एक तो आपने पूरी कमेटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जिसके खिलाफ संपूर्ण एनएसयूआई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम मिलने जाते हैं, हम लोग पूछते हैं सर आपने ऐसा क्यों किया कि हमारे साथ हम बात रखने जाते हैं विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, तब तक लिए वहाँ से दूसरा पक्ष आकर के हमसे मारपीट करने लग जाता है, हमसे झगड़ा करने लग जाता है। तब भी फिर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कल जो एक चिट्ठी जारी करी बिना हमसे कारण बताओगे कि आप लोगों ने ऐसा क्यों वगैरह कुछ भी नहीं, उन्होंने हमें संगठन से निकाल दिया। तो मुझे आज जो ये संगठन को चला रहे हैं तो ये बहुत गलत तरीके से संगठन को चला रहे हैं। और मैं लोगों से मैं अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे सीनियर राहुल गांधी से हम इस संबंध में हम जरूर मिलेंगे और इन सभी लोगों को हम शिकायत उनके दरों जरूर पहुँचाएंगे।